बेटा मंदिर के अंदर ना जूता चप्पल नहीं पहन के आते हैं, उसको बाहर उतार देते हैं। मंदिर का शिष्टाचार है ये, भोलेनाथ जी का मंदिर है ये, कोई मॉल और सिनेमा घर नहीं, उसको उतार के आइए। मैं यहाँ फोटो ले सकता हूँ कुछ? ले लीजिए, ले लीजिए। ओम नमः शिवाय, महादेव की जय। ओ भोले बाबा, महाशंभु देवादि देव, महादेव की जय। शंभुनाथ महादेव। ओके, थैंक यू पंडित जी। अरे बेटा, अगर तुम्हारा फोटो शोटो हो गया हो तो थोड़ा भगवान का अभिषेक करना है। पानी जो है ख़त्म हो गया है, तो बाहर नल से थोड़ा अगर पानी लेते आओगे तो बड़ा आराम हो जाएगा। थोड़ा पानी लेते आओ। थोड़ा ये पानी आपका? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब थोड़ा सा आप अगर शिवलिंग पे थोड़ा जलाभिषेक कर दें तो मैं आगे सबकी सफाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको कर देता हूँ। हाँ, लोटा ले लीजिए और लोटे से भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाए, दाएं हाथ से, दाएं हाथ से। हाँ, डालिए। ओम नमः शिवाय। और डालिए, अच्छे से डालिए। हाँ, आपको पता है कि हम लोग शिवलिंग पे जलाभिषेक क्यों करते हैं? ऐसा तो आइडिया नहीं है पंडित जी। हम बताते हैं आपको। हुआ ये कि एक बार जो है असुरों और देवताओं के साथ जो है समुद्र मंथन का कार्यक्रम चल रहा था, तो सबको लगा कि अमृत आएगा, बट अमृत से पहले आ गया विष, और उस विष को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। ना तो असुर तैयार थे, ना तो देवता तैयार थे, और ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी उससे। हाँ, तो उस समय जो है स्वयं देवादिदेव महादेव वहाँ पर आते हैं और बेचारे विष का पान खुद कर लेते हैं सबकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि विष था उसकी वजह से उनका जो है दिमाग गर्म हो गया भोलेनाथ का। अच्छा। हाँ, तो उनको बड़ी चिंता होने लगी सबको, तो सब देवता लोग जो आए और उनके उनके ऊपर जलाभिषेक किया गया, बेलपत्र चढ़ाया गया, तो जो है भोले बाबा को फिर थोड़ा शांति मिला। उसके बाद से जितने भी हम लोग भक्त लोग हैं भोले बाबा के, हम हर जगह जाकर इनको जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। है ना मज़ेदार कथा? अच्छा है, मुझे ये कहानी पता नहीं थी। वैसे बाबू, हमने तुमको कभी इस एरिया में देखा नहीं, कहीं नया बाहरी आदमी लग रहा है। मैं इस गांव में अभी नया नया आया हूँ, यहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है तो उसमें मैं नया एज ए फोटोग्राफर आया हूँ। तो कैमरा, इसीलिए कैमरा लेके घूम रहे हैं आप, फोटोग्राफी करते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप तो। अच्छा, एक बात बताइए पंडित जी, ये मंदिर आपका कितना साल पुराना होगा? अरे जो लेखपाल के यहाँ जो एंट्री है इसका, उसमें तो 1661 मेंशन है। 1661? हाँ, 1661। 400 से ज़्यादा साल पुराना है। हाँ, करीब 500-550 साल पुराना शिवलिंग है ये, मतलब ऐतिहासिक मंदिर है ये। मतलब हम लोग के दादाजी लोग बताते थे तो वो एक समय यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता था शिवरात्रि में, गांव देहात के सब लोग यहाँ इकट्ठा होते थे, भोले बाबा का सेवा होता था। अब समय बदल रहा है, बस अब यही है, कोई आता नहीं है, बस
चार पांच लड़का लड़की सब आता है, फोटो वोटो खींचता है, सब अपना चला जाता है। आइए फोटोग्राफर साहब, आपको थोड़ा चाय पिलाते हैं, इधर ही हमारा घर। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा है तो। पहली बार आप आए हैं, थोड़ा गरीब। अरे आइए, थोड़ा एक कप चाय पीते जाइए, शहर में पहली बार आप आए हैं। आइए, ये लीजिए चाय पीजिए। अच्छा पंडित जी, बात बताइए। हाँ पूछिए फोटोग्राफर। तो आपके बच्चे वगैरह हैं कुछ? हाँ, बिटिया का शादी ब्याह करवा दिए 3 साल पहले। लड़का हमारा बम्बई फैक्ट्री में काम करता है। क्यों, आपने अपने बच्चे को पुजारी नहीं बनाया अपनी तरह? लड़का हमारा बनना चाहता था, पर हमें ही नहीं बनने थे। ऐसा क्यों? अब आप खुद बताइए कि आज के समय में अगर आप वेद पढ़ते हैं, संस्कृत बोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको कहीं इज्जत की नौकरी मिलेगी? सरकार भी प्रशासन भी हम लोग का शोषण ही करती है। अब आप बताइए, हिंदुस्तान 75 साल से आज़ाद है, यहाँ मस्जिद चलाना है, गिरजाघर चलाना है, कोई सरकार टैक्स नहीं लेती, भुट्टा बनवाती है, मदद करती है, मंदिर से सरकार टैक्स लेती है। तो विपरीत समय है, प्रशासन साथ नहीं है, कोई भी गद्दी पे बैठे अपनी बात को सुनता नहीं है। हम कहें, एक बाप होते होते अपने लड़के की हम जिंदगी काहें खराब करें। पंडित जी मैं चलता हूँ, अब मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा था। ठीक है पंडित जी। हाँ बहुत अच्छा लगा, आप आए, आगे भी आइएगा। पंडित जी आपने कहा कि आप अपने बच्चे को पुजारी बनता नहीं देखना चाह रहे थे, क्योंकि आपको लगता है कुछ रखा नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं चले गए यहाँ से? कई बार तो हमारे मन में भी आया कि हम यहाँ से चले जाएं, बुढ़ापे में यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मच्छर काटता है, बारिश होती है, ठंडा लगता है, चोरी हो जाती है। पर हमको लगा कि हम जब चले जाएंगे तो मंदिर का रख रखाव कौन करेगा, भोलेनाथ की सेवा कौन करेगा, उनका अभिषेक कौन करेगा? आप बताइए, अब बुढ़ापे में इतना दिन से भोले बाबा हम लोग का सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं, बुढ़ापे में उनको कैसे छोड़ सकते हैं, आप बताइए। और ये मंदिर जो है हमारे लिए कोई ईटा का दीवार तो नहीं है ना बाबू, मंदिर हमारे लिए हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, हमारे पुरखों का दिया हुआ वो ज्ञान है, विरासत है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते। और जब तक शरीर में जान है तो सेवा करते रहेंगे, आप आगे देखेंगे भगवान की जो इच्छा होगी अपनी। चलिए ठीक है पंडित, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अरे फोटोग्राफर बाबू, अरे रुकिए, प्रसाद मंदिर से प्रसाद लिए बिना जा रहे हैं, रुकिए हम प्रसाद लेके आते हैं, रुकिए। ये लीजिए, मंदिर आते हैं तो प्रसाद लेके जाते हैं, अब पता नहीं है अब आगे आप भी कब आए, कई लोग तो यहाँ एक बार आते हैं फिर कभी वापस नहीं आते हैं, आप आते रहिएगा जरूर से। क्यों भाई फोटोग्राफर साहब, कहाँ खो गए? शहर पसंद नहीं आया क्या? सर आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। एक मंदिर है जो हजारों साल पुराना है, कई पीढ़ियों से उसमें लोग सेवा भी देते आ रहे हैं अपनी, मेला होता है तो लोग दर्शन करने जाते हैं, भीड़ हमेशा रहती है, फिर सडनली ऐसा क्या हो जाता है कि लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं? मंदिर की हालत एकदम बद से बदतर हो जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? देख भाई, ये सारा खेल ना डिमांड और सप्लाई का है, जिसकी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। हम देखते हैं कि मॉल्स में, सिनेमाघर में आईपीएल मैच देखने क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि उनका प्रमोशन किया जाता है, और प्रमोशन से क्या होता है कि डिमांड क्रिएट होती है, और जहाँ डिमांड वहाँ सप्लाई। और हम मंदिरों की हालत देख रहे हैं अपने, कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं, और ये सारा खेल ना प्रचार का है, जिसकी जितनी ज़्यादा प्रचार होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, समझा? अभी कल की बात है, जो हमारे गाँव का जो लोकल मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है वो, मैंने पता किया तो लगभग 500 साल पुराना मंदिर था वो, उसकी हालत एकदम ख़राब, बहुत बहुत बुरे हालात में था, वहाँ पे पुजारी रहता है, मैंने उससे बात किया तो कह रहा था कुछ जब तक हूँ तब तक हूँ, ना लोग जाते हैं, पुजारी भी कभी भी छोड़ देगा, समझ नहीं आ रहा इन मंदिरों को होगा क्या।
देख भाई, ये एक मंदिर की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों मंदिर पूरे देश में है। मैं रिसर्च कर रहा था तो तेरे को विश्वास नहीं होगा जो मुझे पता चला, 1950 से लेकर अब तक 20,000 से ज़्यादा मूर्तियों की चोरी की गई है, और इन मूर्तियों की चोरी करके स्मगलिंग की जाती है, रैकेट्स चल रहे हैं इसके पीछे। NCRB की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, तो मुझे पता चला कि 2010 से लेकर 2012 तक सिर्फ 2 साल में 15,000 से ज़्यादा आइटम्स की चोरी की गई है मंदिरों से। और हम ये ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो पता चलता है कि स्थिति तो बहुत ख़राब है, और कुछ हो तो रहा नहीं है, सब ऐसे ही चले जा रहा है, चले जा रहा है। पर मेरा सवाल है तो हम क्या करें? हम हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहें, इसी तरीके से मंदिर को बर्बाद होते रहे, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे भाई, बैठने को किसने कहा है? हमारे लोकल MLA साहब को जानता है? हाँ। सुना है कि बड़े हार्डकोर हिंदूवादी हैं, और वो चाहे तो तेरी मंदिर वाली प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व करा देंगे वो। एक काम कर, कल जा उनसे मिल, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकल ही जाएगा। मैं जाऊंगा कल, मैं मिलूंगा उनसे। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। आपके लिए सत्ता में बने रहना ज्यादा जरूरी है या फिर अपने धर्म के लिए कुछ करना? हमारे लिए पहले मुद्दा जरूरी है, एक जबरदस्त मुद्दा, और एक हारा हुआ प्रतिनिधि क्या किसी समाज या धर्म की रक्षा कर सकता है? दिस इज पॉलिटिक्स दीप जी, दिस इज पॉलिटिक्स। और सबसे बड़ी बेवकूफ पता है क्या है? ये जनता, ये वोट देती है, सोचती है अब तो सब नेता करेगा, और नेता इनको बनाता है बेवकूफ, ये उम्मीद में रहती है। मेरे को इतना चीज पता चल गया है कि हिंदुओं का कुछ नहीं हो सकता, हम पागल हैं जो मर रहे हैं, इनके लिए कुछ नहीं होने वाला। कहावत है ना कि घर की गंदगी साफ करते हो अपने हाथ गंदे क्यों करें, सेम डिट्टो तेरे साथ। देख, जिंदगी में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो दूसरों को ब्लेम करके खुद की जिम्मेदारियों से भागते हैं, और दूसरा होता है वो जो कुछ काम करता है खुद की जिम्मेदारियों को निभाता है। अब तेरे ऊपर है कि तुझे क्या करना है। और मंदिरों की हालत देख रहे हैं अपने, कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं, और ये सारा खेल ना प्रचार का है, जिसकी जितनी ज़्यादा प्रचार होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, समझा? क्यों फोटोग्राफर बाबू? अरे हमने तो आपको पहले ही समझाया था, देखिए यहाँ कोई आने वाला नहीं है, अब नया कुर्ता पहन के बैठे हैं, कोई आए नहीं। अरे हमको तो पहले ही से पता था यहाँ ऐसा होता रहा है और आगे वैसा ही होता रहेगा, उम्मीद आपने जगा दी, बट आया कोई नहीं। हमने भी नया नया कुर्ता पहन लिया, बाल डाई कर लिए, हमको लगा कथा करेंगे, लोग आएंगे, प्रचार होगा। आप सही कह रहे हैं पंडित जी, मेरा भी यहाँ बेकार में टाइम वेस्ट हो गया। दीप, मैं आता थोड़ी देर में। जाओ थोड़ा घूम के आओ, हम लोग तो ऐसे ही बैठे हैं चुपचाप। प्रचार लोग कोई आने वाला है नहीं।
आपके मंदिर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कब आएंगे? इस वीडियो को मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और हमारे चैनल शिक्षार्थकम को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके डोनेशन हमें बहुत हेल्प करते हैं इस तरह की वीडियो बनाने में। तो जाते जाते आप लोगों को शिक्षार्थकम की तरफ से जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।